हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्कृष्ट फूड्स। आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं थिक, क्रीमी और यमी से मिल्कशेक्स की रेसिपी। बहुत ही यमी लगते हैं ये और बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ओरियो मिल्कशेक। सबसे पहले मैंने ले लिया है वेनिला फ्लेवर्ड ओरियो। यहाँ पर आप दूसरा फ्लेवर भी ले सकते हैं आपके चॉइस का। इसे क्रम्बल कर लेना है क्रीम के साथ और ऐड कर देना है मिक्सर ग्राइंडर में। अब हम ऐड कर देंगे 1 कप ठंडा दूध, इसमें ही ऐड करना है आपको। और साथ में ऐड कर देंगे 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम। अगर आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो वो ऐड कर दीजिए। आपको अगर ओरियो के जो बीच बीच में आते हुए बिस्किट्स अच्छे नहीं लगते तो फिर आप जो है पहले ओरियो को क्रश कर लीजिए अलग से। आप क्रीम और शुगर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। आपको एक्स्ट्रा थिक बनाना हो तो क्रीम ऐड करिए। तो तैयार है हमारा ओरियो मिल्कशेक। इसे मैंने ग्लास में सर्व कर लिया है। चॉकलेट सिरप साइड में स्प्रेड कर दिया था गार्निशिंग के लिए। और साथ में गार्निश करने के लिए ऐड कर देंगे 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम। आप चॉकलेट आइसक्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में थोड़े से क्रम्बल्ड ओरियो भी डाल दिए हैं मैंने। तैयार है हमारा ओरियो मिल्कशेक। अब हम बना लेंगे मैंगो मिल्कशेक। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। 1 कप आप पका हुआ आम ले लीजिए, आपके चॉइस का, जो भी आपको आम पसंद है वो। शुगर और क्रीम भी आप ऐड कर सकते हो। साथ में मैंने ले लिया है 1 कप दूध, ठंडा दूध लिया है। थोड़े से आइस क्यूब्स लिए, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने। और 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम, आप मैंगो आइसक्रीम भी ले सकते हो। सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो रेडी है हमारा मैंगो मिल्कशेक। ये जो है मैंने चंक्स रखे हैं मैंगोज़ के। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप एकदम फाइन मिल्कशेक भी बना सकते हो, एकदम पीस लीजिएगा उसको। तो रेडी है हमारा मैंगो मिल्कशेक। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने ऐड कर दिया वेनिला आइसक्रीम और साथ में थोड़े से मैंगो के टुकड़े। आप मैंगो का आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हो। अब हम बना लेंगे हेज़लनट मिल्कशेक। तो सबसे पहले आपको ले लेना है आपके चॉइस का हेज़लनट स्प्रेड। मैंने नटेला ले लिया है यहाँ पर 1 टेबलस्पून। उसमें मैंने 1 कप दूध ऐड कर दिया है और साथ में 1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम ऐड कर देना है। आप हेज़लनट आइसक्रीम या फिर चॉकलेट आइसक्रीम भी ले सकते हैं। और क्रीम और शुगर आपको अगर पसंद है तो ऐड कर लीजिएगा। अब ये जो हेज़लनट मिल्कशेक है ये इसी तरीके से अच्छा लगता है, सिंपल। इसके ऊपर कोई गार्निशिंग या फिर चॉकलेट सिरप अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मैंने इसे सिंपल रखा है। बहुत यम्मी लगता है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार घर पर। और बहुत सिंपल है ये तीनों रेसिपीज़ बनाना, तो डू ट्राई द रेसिपीज़। तो तैयार है हमारा ओरियो मिल्कशेक, मैंगो मिल्कशेक एंड हेज़लनट मिल्कशेक। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू ट्राई द रेसिपीज़, ये सीरियसली सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत सिंपल भी है बनाने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।